तो व्हाट्सअप गाइस, आज भाई हम और सोनिक जाने वाले हैं मूवी डेट पे, क्योंकि सोनिक ने आज तक कभी थिएटर नहीं देखा। ये हमारे सोनिक भैया खड़े हैं, से हेलो आए करते हैं। हाय सोनिक भैया, कैसे हो तुम? अरे फ्रिंकलिन, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो मुझे बताओ। सोनिक भैया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। चलो फटाफट से गाड़ी में बैठ जाओ और अपन चलते हैं मूवी डेट पे, क्योंकि तुमको थिएटर दिखाना है। तुमने जिंदगी में कभी थिएटर ही नहीं देखा। फ्रैंकलिन, मैंने कभी थिएटर इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई ले ही नहीं दिया। तुम ले रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया है तुम्हारा। हाँ हाँ सोनिक भैया, मैं लेके चलता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। तो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए बंदे चैनल पे आए, चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर देना ऑल पे सेट, जिससे मैं आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी और सोनिक भैया को और कहाँ घुमाया जाए ये भी बता देना। तो फटाफट से अपन चलते हैं सोनिक भैया लॉस एंथोस में। लॉस एंथोस में हम दोनों घुस चुके हैं। फ्रैंकलिन, मैंने आज पहली बार सिटी देखी है, लेकिन ये आदमी ऐसे भक्के हो रहे हैं। ये आदमी ऐसे भक्के रहते हैं क्या तुम्हारी लॉस एंथोस सिटी में? नहीं सोनिक भैया, हमारी सिटी में आदमी ऐसे क्यों भागेगा? हमारी सिटी में थोड़ी ना कोई राक्षस रहता है। रुको, मैं तुम्हारी दी हुई सुपर पावर से देख के आता हूँ क्या हो रहा है सिटी में, आदमी क्यों भाग रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया सिटी में, कौन आ गया अब इतने दिनों से? अभी तो आया था उसी हफ्ते, अब कौन आ गया? ये देखो आदमी पूरे में हल्ला मचा के भाग रहे हैं। ये कौन सी बला है ये? इसको तो मैंने कभी जिंदगी में पहले देखा ही नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? ये गाड़ियों के नीचे क्यों घुस गया? ये क्या कर रहा है? गाड़ियाँ गला रहा है, अपने अंदर ले रहे गाड़ियाँ गला के। अरे छी, कितना गंदा मॉन्स्टर, ये कौन है? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? मैं हूँ द गेट मॉन्स्टर। आई हैव पावर टू टेलीपोर्ट यू इन माय सिटी। मैं भवंडर भी ला सकता हूँ, मेरे को तुम ही लोगों ने बनाया है लॉस एंथोस वालों। मैं कचड़े से बना हूँ, और कचड़ा फैलाओ जिससे मुझे और पावर मिले, मैं तुम्हारे लॉस एंथोस में कब्जा कर लूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे पास पोर्टल है जिसमें मैं किसी को भी समा सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं लॉस एंथोस सिटी को खत्म करने वाला हूँ। मुझे और कचड़ा चाहिए, और गाड़ियाँ चाहिए। जितना ज्यादा कचरा फैलाओगे उतनी ज्यादा मेरी पावर बढ़ेगी। ए सोनिक भैया, ये तो कोई द गेट मॉन्स्टर है, ये कौन है? इसको तुम जानते हो क्या? कभी तुमने इसको देखा है क्या? इसके पास तो पोर्टल है भाई, ये तो लोगों को अंदर ले लेता है। सोनिक भैया, इससे कैसे बचेंगे अपन? अरे यार फ्रैंकलिन, मेरे को क्या पता, मैंने थोड़ी ना कभी किसी से लड़ाई की है। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, ना गेट मॉन्स्टर कौन है मैं थोड़ी जानता हूँ। मैं तो पहली बार जिंदगी में सिटी में निकलते आया, उसमें भी तुमने एक राक्षस बुला दिया। सोनिक भैया, मैंने थोड़ी बुलाया है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। ये पूरी गाड़ियाँ अपने अंदर सोख ले रहा है, सब कुछ अंदर सोख ले रहा है, ये क्या करेंगे? इसको खत्म कैसे करेंगे अपन? सोनिक भैया, कहाँ छुप के बैठे तुम? अरे कहाँ हो? वहीं पे छोड़ा था मैंने तुम्हें प्लाजा के पास, कहाँ हो तुम? ए फ्रैंकलिन भैया, यहीं तो बैठा हूँ, जल्दी से आओ फिर अपन कहीं चलते हैं, हल्क के पास चलते हैं, वो रोकेगा, उसके पास बहुत पावर है। हाँ हाँ सोनिक भैया, चलो हल्क के पास चलते हैं फटाफट से, अपनी पावर यूज करके बैठो कार में, फिर यूज करता हूँ फटाफट से, तुमको लेके चलता हूँ सीधे उसी के पास टेम्पल में। अरे फ्रैंकलिन भैया, तुमको पता नहीं है क्या, हल्क अभी टेम्पल में नहीं है। हल्क तो गया है ना, हल्क तो वहाँ पे गया है जहाँ पे वो समुन्दर है, उसके नीचे तपस्या करने गया है, मेडिटेशन। वो बोल रहा था कि मेरी पावर बहुत कम होती जा रही है, जितने भी दुश्मन आ रहे हैं उनसे लड़ लड़ के मेरी पावर बहुत कम हो रही है, वो अपनी पावर बूस्ट करने दिया है। तुम वहीं पे चलो जहाँ पे वो समुंदर है, समुंदर का पानी आता है, झरने जैसा बहता है, वहीं पे चलो फटाफट से। अरे हाँ हाँ समझ गया, लो आ गई, यहीं पे है वो झरना जैसा जहाँ पे बना हुआ है, यहीं पे वो पानी बहता है ऊपर से, ये देखो ब्रिज बना है ना सुंदर सा, यहीं पे। अब यहाँ पे बताओ कहाँ पे वो झरने के नीचे बैठा है ना, तो फटाफट से अपन को यहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, संभल के बैठना नहीं नीचे गिर जाओ, छोटे से तो हो ही तुम। फ्रैंकलिन भैया, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं नहीं डरूंगा, मैं तो सीट बेल्ट लगाते बैठा हूँ ना। तुम हल्क को आवाज दो जिससे वो बाहर निकलते आए, वो वहाँ पे बीच में बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है। अरे हल्क भैया बाहर निकलो, कहाँ हो तुम? ज्यादा मेडिटेशन मत करो, पूरी कर लोगे क्या एक ही दिन में? बाहर भी निकल आओ पानी से। आज ये फ्रैंकलिन मरेगा मेरे हाथों, इससे मैंने बोला है 100 बार, जब मैं मेडिटेशन करने आऊं तो मुझे डिस्टर्ब करने मत आया कर, मत आया कर, नहीं
इसको लेकिन समझ में ही नहीं आती, आज इसको खत्म ही कर दूंगा। का हो गया, काय को हल्ला मचा रहा है, काय को मेरी मेडिटेशन खराब कर दी। मेरी पावर वैसे भी बहुत कम होती जा रही है लड़ते लड़ते, रोज तो तेरे लॉस एंजेलिस में कोई ना कोई आता रहता है लड़ने के लिए, मेरे को कितना परेशान करोगे बे। अब मत करा करो ज्यादा, जल्दी बता क्या दिक्कत हो गई, मेरे को मेडिटेशन करने जाना है, पावर बढ़ानी है अपनी। अरे अल्क भैया, तुमको पावर की लग रही है, वहाँ पे द गेट मॉन्स्टर आ गया है, जानते हो तुम ये कौन है? मैं कौन सी नई बात है, तेरे यहाँ तो रोज ही मॉन्स्टर आता है, ये द गेट मॉन्स्टर कौन है? इसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना जिंदगी में पहले आज के। अल्क भैया वो पता नहीं कह रहा था कि हम कचड़े से बने हुए हैं और उसके पास एक पोर्टल जैसी चीज है, उसमें वो चीजों को गला भी लेता है। साले को खत्म ही करना पड़ेगा, रुक जा पावर यूज कर लेते पहले तो। अरे भागो सोनिक भैया, हल्क पागल हो गया, हल्क पागल हो गया, जल्दी भागो। अरे फ्रैंकलिन डर क्यों रहा है, पागल नहीं हुआ हूँ, पावर यूज कर रहा था अपनी, ये तो डर के भाग गया यार। चलो चलते हैं गाइस फटाफट से लॉस एंजेलिस में, देखते हैं कौन सा राक्षस आ गया आज। एक तो वैसे ही मेरी पावर इतनी कमजोर होती जा रही है दिन पे दिन, मुझे भी गॉड हल्क में अपग्रेड करना ही होगा। जल्दी चलते हैं, पहले इसको फटाफट से आज खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं गॉड अपडेट करते हैं। गॉड अपडेट मिलना चाहिए गॉड पहले अपन को अपडेट करने के लिए, बिना अपडेट के कहां से अपडेट करेंगे गॉड पे। तो फटाफट से पहुंच गए गाइस मैं लॉस एंजेलिस, कहाँ है वो द गेट मॉन्स्टर? भाई ये लोग तो बहुत हल्ला मचा रहे थे, द गेट मॉन्स्टर आ गया और लॉस एंजेलिस तबाह कर रहा है, यहाँ तो कोई तबाही नहीं मची, उससे ज्यादा तबाही तो मैंने कर दी उठ के। अच्छा यही है क्या ये काला काला धुआं? ये तो मरेगा, मेरे यहाँ तो बहुत पावर है मेरे पास, एक बार में निपटा दूंगा मैं इसको। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ द गेट मॉन्स्टर, वैसे ये बता तू कौन है, मैंने आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा। दीवानो हमें पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ द गेट मॉन्स्टर, कैसी लगी मेरी गोल गोल चक्री? ए, अरे अरे इतनी जल्दी मारना शुरू कर दिया, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, अब हमारा भी नाम सुन लो जरा। हम है द हल्क, जिसको आज तक कोई नहीं मार पाया, तुम क्या मानोगे रे? अरे हल्क भैया, मेरे को तुम खत्म ही नहीं कर सकते, जब तक इस दुनिया में कचड़ा रहेगा, जब तक द गेट मॉन्स्टर रहेगा, मेरे पास गलाने की पावर है, मैं किसी भी चीज को गला सकता हूँ नीचे जाके, मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, तुम मुझे खत्म ही नहीं कर सकते। अगर मेरी पावर कम होने लगेगी तो मैं फिर से पोर्टल खोल के बढ़ा लूंगा, तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे। अरे तू तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा, एक बार सामने तो आ तब तो लड़, धुएं को तो वैसे भी कोई नहीं मार सकता, ये तो सच बात है, सामने से लड़ना हो दम तो। अरे हल्क भैया, सामने से कैसे लड़ूं, जब मैं खुद ही हवा हूँ तो सामने से कैसे लड़ूंगा, तुम कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो। ये अनपढ़ किसे बोल रहा है, मुझे अनपढ़ बोल रहा है? रुक जा साले, मैं बताता हूँ तुझे, मुझे अनपढ़ बोल रहा है यहाँ, या मैं बताता हूँ, रुक जा, तू एक मुक्का खा मेरा तब तुझे समझ में आएगी। एक तो साले मैं तुझे मार नहीं पा रहा, धुएं को कैसे मारूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रही, एक तो मेरी दिन पे दिन पावर घटती जा रही है, एसिड कहाँ से आ गया मेरे पांव के नीचे, ये कौन सा एसिड है काला काला? ये हल्क भैया, ये मैं ही तो हूँ, यही तो बोल रहा था कि मेरे पास पावर है, मैं किसी को भी अंदर गला सकता हूँ अपने। लेकिन मुझे तो गला नहीं पाया, ऐसा क्यों, तेरी पावर कम पड़ गई क्या? ले मुक्का खा तो फिर, आ मैं पकड़ लेता हूँ, अब बोल, अब तू धुआं बन, बहुत धुआं धुआं कर रहा था ना, अब धुआं बन के देखा जरा, बड़ा धुआं धुआं कर रहा था, बड़ा उचक रहा था, तेरा मुंह बड़ा अच्छा लगा यार, प्यारा प्यारा सा, अब देख तुझे हल्क स्लैम दिखाता हूं। अरे तू उड़ गया, ये क्या हुआ, कब से तू चला गया? हल्क भैया, तुमने यही तो गलती कर दी, मुझे पकड़ लिया था तो पकड़ के रखते ना, मेरे को अगर हवा में उड़ाओगे तो मैं फिर से हवा बन जाऊंगा, मुझे हवा में ले जाके नहीं मार सकते। तुम कितने बुद्धू हो हल्क भैया, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे ऐसे तो बचकानी हरकतों से। अरे गाइस ये तो बेइज्जती पे उतर आया यार, इज्जत पे दे दी इसने, तो सही कह रहा है, फिर मैं हल्क अगर मुक्का नहीं चला पाऊंगा, हल्क स्लैम नहीं कर पाऊंगा तो इसको मारूं कैसे? कोई तो पावर बताओ, कुछ तो बताओ, फ्रैंकलिन कहाँ चला गया तू, कम से कम कोई तो एडवाइस दे। ए हल्क भैया, तुम्हारे पास इतनी पावर है, एटॉमिक स्लैम चलाओ, पत्थर फेंक के मारो, या गामा चार्ज करो, कुछ तो करो, लेकिन इसको खत्म करो। मैं क्या बताऊँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं थोड़ी जानता हूँ इनको मारना, इसलिए तो आपको बुलाया है।
साले तू जिंदगी भर छोटा बच्चा बना रहना, ऐसी हरकतों की वजह से, तेरी हरकतों की वजह से मैं देखना कभी एक दिन मर जाऊंगा साले। हमेशा मेरे को भिदवा देता है कोई ना कोई मॉन्स्टर से। ये पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर है, इसको ना मार पाओ ना काट पाओ ना कुछ कर पाओ। अब मेरे को गुस्सा आ गई, अब या तो मैं इसको खत्म कर दूंगा या तो खुद को खत्म कर दूंगा। पहले तो ये पुलिस से दूर जाऊं, ये पुलिस मुझे परेशान कर रही है, इतनी देर से उंगली कर रही, बार बार मिसाइलें मार रही। था गेट मॉन्स्टर को तो मार नहीं पा रही क्योंकि वो तो हवा है, मुझे मारने में लगी इतनी देर से। ले फिर से पकड़ लिया, अब बताता हूँ तुझे। ले ले अब बोलना, अब तूने मुझे बता दिया ना कि धुआं में हवा में यूज नहीं करना तुझे। ए हल्क भैया, पकड़ा था तो छोड़ क्यों दिया, जब बोला है कि पकड़ के रखो ऐसे नहीं मार पाओगे मुझे, क्यों अपनी पावर वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर। रुक जा साली, तू हल्क की लात का, बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा था ना, अब ये कौन सी पावर चला रहा है, ये मेरे को अंदर क्यों खींच रहा है। दूर रहना मुझसे, मेरे को नहीं आना तेरे अंदर, तू दूर चला जा मुझसे, तो बहुत मारूंगा, फिर कीचड़ बन गया। अरे इस कीचड़ को हराऊं तो हराऊं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे गामा चार्ज करने दो, गामा भी चार्ज नहीं करने दे रहा सही से। एक तो ये पुलिस के मारे ये मुझे चरखी मत दे, मेरे को चक्कर आता है, इसलिए मैं प्लेन में भी नहीं बैठता कभी। अरे सॉरी हल्क भैया, अब नहीं दूंगा चक्कर, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगा चक्कर, अब ऐसे ही लड़ेंगे अपन, बिना चक्कर के लड़ेंगे। अरे तू तो बहुत अच्छा आदमी है रे, मैंने तेरे को मना कर दिया, तू एक बार में मान भी गया, इतना अच्छा कैसे है तू। हल्क भैया मेरी आपसे कोई जागती दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो लॉस एंजेलिस को खत्म करने आया हूँ, अगर आप अभी भी चले जाओ तो मैं आपसे थोड़ी लड़ूंगा, मैं तो लॉस एंजेलिस को खत्म करने आया हूँ। आप तो फालतू में पता नहीं क्यों लॉस एंजेलिस को बचाना चाहते हो, यहाँ के लोग वैसे भी इतनी गंदगी मचाते हैं, इनकी गंदगी की वजह से मैं पैदा हुआ। लेकिन लॉस एंजेलिस में कुछ अच्छे आदमी भी रहते हैं, उनकी वजह से मैं तुझे मारने आया हूँ। अब मुझे फाइनली पूरी गुस्सा आ चुकी है, अब मैं दिखाता हूँ अपनी पावर तुझे। बहुत देर हो गई थी, एटॉमिक स्लैम तो काम नहीं करेगा ना मेरा, लेकिन मैं अगर धरती में मारूंगा और तू एसिड होगा तो बाहर तो निकलेगा ही ना, बिना उसके तो मानेगा नहीं, क्योंकि तेरी भी तो हो जाएगी निकलने की। अरे हल्क भैया तुम नहीं मानोगे, आ जाओ अब मैं तुम्हें फाइनली मार ही देता हूँ, मेरी तुमसे कोई जागती दुश्मनी नहीं था, फिर भी तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ फाइनली, फिर लॉस एंजेलिस पर राज करूंगा। तू मुझे खत्म करेगा, एक बार मेरी शकल देख, तू मुझे खत्म कर लेगा है, बट ले रुक जा बताता हूँ तुझे, रुक जा गामा चार्ज करके बताता हूँ, तू बहुत उड़ रहा है ना, कहाँ चला गया, रुक मैं तेरे में गाड़ी फेंक के मार दूंगा। ले अब उठ के आ, मेरे पीछे आ गया, मेरे पीछे आ गया, पीठ पे मार करता है, पीठ पे मार करता है, रुक जा बताता हूँ तुझे, बताता हूँ ले कहाँ गया। अरे यार एक तो तुझे पकड़ भी नहीं सकते मैं, बार बार तू भूल जाता हूँ तेरे पास इतनी पावर क्यों है, मेरे को सही में गॉड बनना ही पड़ेगा, गॉड हल्क मेरे बहुत गॉड हो गया, रुक जा तुझे पुलिस वाले से मारता हूँ, रुक वैसे भी ये बहुत उंगली कर रहे हैं। अब उठ अब उठ अब उठ, तुझे उठने ही नहीं दूंगा जब तक उठेगा नहीं, जब तक कैसे बनेगा हवा, रुक जा अब पकड़ता हूँ, जब तक तू हवा बनेगा ना जब तक तुझे उठने ही नहीं दूंगा। हल्क भैया मुझे मार भी दोगे तो मेरे जैसे 100 और आ जाएंगे, लॉस एंजेलिस में जितना कचरा होगा हम उतने ही ज्यादा पैदा होंगे, मेरे को मार के क्या कर लोगे, मैं कल फिर वापस आ जाऊंगा, मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते जब तक लॉस एंजेलिस का कचरा खत्म नहीं होगा। रुक जा फिलहाल तो तुझे मार लेता हूँ, उसके बाद लॉस एंजेलिस का कचरा भी खत्म कर लूंगा, तेरे को सही से धो लूं। अब तेरे को तो बहुत ज्यादा बहुत खुजली मच रही थी ना, ले मैंने तेरा पूरा खून निकाल दिया, बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना तू, तुझ में तो ज्यादा खून भी नहीं है, काला खून दे रहा है, लाल खून तो पुलिस वालों का है, अब तू बहुत उड़ रहा था, ले अब जिंदा होके बता। नहीं लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा हल्क भैया, ये बात मेरी याद रखना, आज मैं एक था लेकिन कल फिर वापस आऊंगा और आपको मारूंगा, आपने मेरे से दुश्मनी लेके बहुत गलत किया है। हाँ निकल ले पहली फुर्सत में निकल ले, अभी पुलिस के हेलियों का भी मैं बताता हूँ, बहुत देर से उंगली कर रहे हैं ना मुझ में, रुक जाओ सालो तुम लोगों में रॉक मारूंगा, एक तो मेरी हेल्प नहीं कर सकते ऊपर से मेरी कोई उंगली करके बता रहा है, रुक जाओ पुलिस से भी थोड़ी लड़ ली लूं, मुझे को गुस्सा बहुत ज्यादा दिला दिया तुम लोगों ने, अब मैं तुम लोगों से अच्छे से लड़ के जाता हूं। ज्यादा लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि गैस सेहत के लिए खराब होता है, मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी छवि खराब हो। चलते हैं फटाफट से टेम्पल में और बताते हैं भैया आज को सोनिक को और फ्रैंकलिन को कि हमने उसको खत्म कर दिया, लेकिन वो वापस जरूर आएगा क्योंकि तुम्हारे लॉस एंजेलिस में बहुत ज्यादा कचरा है, या तो अपना लॉस एंजेलिस साफ करो तब वो नहीं आएगा, अगर फिर से तुम लोग कचरा फैलाते हो तो लॉस एंजेलिस में वो फिर से आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना लॉस एंजेलिस को साफ करना चाहिए कि नहीं, या लॉस एंजेलिस में और ज्यादा कचरा कर देना चाहिए जिससे वो आ जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं टेम्पल के अंदर, फ्रैंकलिन क्या कर रहे हैं टेम्पल के अंदर, मैंने उसको खत्म कर दिया,
सोनिक कहाँ है तू? जल्दी बाहर निकल, रुक जा, मैं ही अंदर आता हूँ, बाहर मत निकल, यू बाहर पुलिस बहुत है। हल्क भैया मैं यहीं पे हूँ आपके रूम में जहाँ पे आप सोते हो, फटाफट से आ जाओ नीचे उतर के, ये गिर क्यों गए आप, आराम से आ जाओ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पे वो आपकी वो लगी हुई है ना पावर वाली स्क्रीन, उससे देख रहा था आपकी लड़ाई। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने जो बोला वो सुना तू ना, लॉस एंजेलिस में तेरे बहुत कचड़ा है, उसका क्या करने वाला है तू मुझे बता फटाफट से। उसके लिए हल्क भैया अपन सफाई अभियान निकालेंगे, वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, तो वीडियो अपन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन मेरी ईविल टीम में आना चाहता है। टिल देन बाय।